Welcome to the another Duo Facts video. जाकिर खान, वेल इन्हें कौन नहीं जानता, सख्त लौंडा पंचलाइन देने वाले एक स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्टर, पोइट, प्रेजेंटर एंड एक्टर भी हैं। जाकिर खान उन यंग इंडियंस में से हैं जिनके ड्रीम्स डिफिकल्ट थे और उन तक पहुंचने के लिए जाकिर ने काफी मेहनत भी की और तब तक नहीं रुके जब तक वो ऑडियंस में एक पॉपुलर फेस नहीं बन गए। आज के इस वीडियो में हम आपको हक से सिंगल चचा विधायक है हमारे कक्षा 11वीं के एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्टर जाकिर खान के बारे में कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स बताएंगे जो शायद इस वीडियो के पहले तक आपको नहीं पता हो। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसमें क्या खास बात है? नंबर 1, जाकिर खान का बर्थ 20 ऑफ अगस्त 1987 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। सो वैसे तो ये इंदौर से है बट इन्होंने अपनी लाइफ का काफी वक्त दिल्ली में ही स्पेंड किया है। नंबर 2, जाकिर बहुत ही हम्बल फैमिली से आए हैं। इनके फादर का नाम इस्माइल खान है जो कि संत रफेल्स स्कूल में एक म्यूजिक टीचर थे। वे जाकिर के टैलेंट के लिए हमेशा से ही सपोर्टिव रहे हैं। जाकिर की मदर का नाम कुलसुम खान है। इनके ग्रैंड पेरेंट्स राजस्थान के सिकार से बिलोंग करते हैं। जाकिर एक म्यूजिशियंस फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं। यंग एज से जाकिर पोएट्री और जोक्स लिखना पसंद करते थे और वो एक म्यूजिशियन बनने के लिए खुद को सीरियसली ट्रेन भी किया करते थे। इनके फैमिली का म्यूजिक से 300 इयर्स लॉन्ग रिलेशनशिप है। जाकिर के दो सिबलिंग ब्रदर जिसान खान जो मलंग द बैंड में लीड सिंगर हैं और अरबाज खान जो एक स्टूडेंट है। जाकिर के ग्रैंडफादर उस्ताद मोइनुद्दीन खान थे जो एक म्यूजिशियन थे। नंबर 3, जाकिर ने अपनी एजुकेशन संत पॉल हायर सेकेंडरी हाई स्कूल इंदौर से की। जाकिर ने सितार में डिप्लोमा भी किया है। जाकिर ने अपने ग्रैंडफादर एंड फादर से म्यूजिक सीखा था। नंबर 4, जाकिर एक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। जब जाकिर एमकॉम कर रहे थे तब इन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। जब इनसे पूछा गया कि इन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया तो जाकिर ने कहा, यार कॉलेज में रहने का कोई मतलब नहीं था, क्लासेस हम अटेंड करते नहीं थे और डिग्री से ज्यादा अपनी ख्वाहिशों से प्यार था। नंबर 5, जाकिर खान अदर सेलिब्रिटीज की तरह ही अपनी लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं बट जाकिर खान का पास्ट में वन रिलेशनशिप रह चुका है। नंबर 6, जाकिर का सपना था कि वो बड़े होकर एक रेडियो जॉकी बने। अपने सपने को पूरा करने के लिए इंदौर से दिल्ली आ गए। वहां ARSL में रेडियो जॉकी का कोर्स भी किया। इसके बाद वो इंटर्नशिप के लिए जयपुर गए। वहां उन्होंने नौकरी की काफी तलाश की पर कोई नौकरी नहीं मिली। उस वक्त उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उनके पास रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उन्होंने पैसों के लिए छोटे मोटे काम भी किए। जाकिर जयपुर से दिल्ली आए तो उनके लैंडलॉर्ड ने उनका रेंट भी माफ कर दिया और उन्हें दिल्ली तक ट्रैवल के लिए पैसे भी दिए। नंबर 7, दिल्ली आने के बाद उन्हें पैसों की कमी होने लगी, इसी कारण दिल्ली में वे सितार बजाकर पैसे कमाने लगे। इसी के साथ उन्होंने कॉमेडी भी स्टार्ट कर दी। नंबर 8, जाकिर ने अपने करियर का स्टार्ट ST मीडिया लिमिटेड में एज अ कॉपी राइटर और मेन रिसर्चर किया था। यहां इन्होंने अराउंड 4 इयर्स तक काम किया। नंबर 9, जाकिर ने जब एक कॉमेडियन बनने का डिसीजन लिया तो वो वक्त उनकी लाइफ का एक चैलेंजिंग फेज था। वो कहते हैं कि वो ओपन माइक इवेंट में कवर चार्ज भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जाकिर आगे कहते हैं कि उन्हें याद है उस वक्त उन्हें 500 रुपीज चाहिए थे पर इनके पास 500 रुपीज भी नहीं थे। जाकिर सेड, आई रिमेम्बर 500 रुपीज वर रिक्वायर्ड एट दैट टाइम, आई डिड नॉट हैव दैट, मोरओवर वी हैड टू गिव अ पर्सनल इंटरव्यू वेयर दे वुड आस्क अबाउट द लैंग्वेज आई हैड यूज ऑन स्टेज, दैट वॉज अ लिटिल ऑड एज वेल, इट वॉज ओनली आफ्टर December 2011 when I was some 8-9 months into a job that I thought I could spare that extra 500 rupees on this, so I went for my first gig. Number 10, 2012 में जाकिर ने इंडियाज बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन का टाइटल जीता। ये कॉमेडी सेंट्रल ने ऑर्गेनाइज किया था। इसके बाद जाकिर इंडियाज बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी सर्किट में एक नोन फेस बन गए। इससे जाकिर ने एक मेस्मराइजिंग पॉपुलैरिटी हासिल की। नंबर 11, जाकिर को सख्त लौंडा के नाम से जाना जाता है। ये टाइटल एक ऐसे शख्स को आइडेंटिफाई करता है जिसका अपने आप पर इतना कंट्रोल है कि वो किसी भी लड़की को देखकर पिघलता नहीं है। नंबर 12, जाकिर की कॉमेडी स्टाइल को NDTV प्राइम्स द राइजिंग स्टार ऑफ कॉमेडी टेलीविजन शो में भी सराहा गया है। जाकिर काफी स्टैंड अप कॉमेडी शो में परफॉर्म कर चुके हैं। इन्होंने रेडियो शो भी प्रोड्यूस किए हैं एंड ऑल्सो जाकिर ने गुड़गांव में जोक सिंह के साथ भी परफॉर्म किया है। नंबर 13, जाकिर एक पोइट भी हैं और साथ ही एक आर्टिस्ट की फैमिली को बिलोंग करते हैं।
जाकिर रेखता जैसे इवेंट में भी अपनी पोएट्री प्रेजेंट कर चुके हैं कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, कि ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे मैं लड़ पड़ा हूँ रात से, मशाल हाथ में लिए न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को था ढल गया वो रात से था डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। बहुत बढ़िया। इनके फेवरेट पोएट मिर्जा गालिब एंड जॉन एलिया है। नंबर 14, 2015 में जाकिर खान ने एक न्यूज कॉमेडी शो ऑन एयर विद AIB के इंडियन कॉमेडी ग्रुप के ऋषभ कुलाल एंड गुरसिमरन खंबा के साथ को होस्ट भी और राइट भी कर चुके हैं। ये शो स्टार वर्ल्ड पर ब्रॉडकास्ट हुआ। जाकिर 5th एनुअल गोल्डन केला अवार्ड्स को भी होस्ट कर चुके हैं। नंबर 15, 2017 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के 5th सीजन में जाकिर 3 मेंटोर में से एक थे। इनके अलावा इनमें मलिका दुआ एंड हुसैन दलाल शामिल थे एंड इस शो को अक्षय कुमार ने जज किया है। नंबर 16, जाकिर अमेज़न प्राइम वेब सीरीज चाचा विधायक है हमारे में एक प्रोटैगनिस्ट को प्ले कर चुके हैं। जाकिर की ये वेब सीरीज का सीजन 2 रिसेंटली रिलीज हुई है और इस पर ऑडियंस के रिव्यूज भी दिल को छू लेने वाले हैं। आप भी हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको रॉनी भैया का कैरेक्टर कैसा लगता है। नंबर 17, अमेज़न प्राइम की कॉमिकस्तान सीजन 2 में जाकिर एज अ जज भी नजर आए। जाकिर अमेज़न प्राइम के वन माइक स्टैंड सीजन 1 में भी भुवन बाम के साथ फीचर हो चुके हैं। नंबर 18, कॉमेडी के उस्ताद जाकिर ने एक पॉडकास्ट सीरीज उम्मीद गाना.com पर स्टार्ट की। वहां जाकिर ने अपनी लाइफ में जो इंसिडेंट हुए उनसे मिली इंस्पिरेशन को शेयर किया है। नंबर 19, जाकिर खान शायरीज भी लिखते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। जाकिर एक कॉमेडियन है बट इन्हें शायरी करना और सिंगिंग करना बहुत पसंद है। माँ बाप का साथ नहीं, किसी के कहे पे भरोसा हो जाए, ऐसी किसी में भी बात नहीं। या बड़े शहर तेरा बहुत कर्जा है मुझ पर, सब चुकाऊंगा बारी बारी से। नंबर 20, जाकिर खान स्टैंड अप को डिस्कवर करने के बारे में कहते हैं, आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोस ऑफ रसल पीटर्स समवेयर इन 2009 एंड दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू स्टैंड अप। द नेक्स्ट ईयर आई वाज अनएम्प्लॉयड इन दिल्ली। वन डे अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर केम एंड ऑफर्ड अ स्टैंड अप गिग टू माय रूममेट। ही डिड नॉट टेक मी बिकॉज आई वाज टू स्मार्ट टू टेक टू अ हैपनिंग प्लेस, सो माय रूममेट केम बैक एंड टोल्ड मी दैट द कॉमेडी सीन इज ग्रोइंग एंड दैट टोटली आई कुड किल इट। आई हैड मटेरियल इन जोक्स ऑल फ्रॉम माय लाइफ एक्सपीरियंस। नंबर 21, जाकिर खान अपने इनिशियल डेज के बारे में कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 3 मिनट्स थे और जाकिर ने 1.5 मिनट्स परफॉर्म किया। ऑर्गेनाइजर्स ऑडियंस में बैठे थे और सिग्नल दे रहे थे कि ही इज डेड और उन्हें स्टेज से उतरना पड़ा, तो इस तरह से जाकिर ने स्टार्ट किया था। नंबर 22, जाकिर अपने सक्सेस का क्रेडिट हार्डवर्क को देते हैं। उनका कहना है कि हार्डवर्क ने इन्हें इनकी लाइफ की सारी परेशानियों से निकाला है। जाकिर कॉमेडी के बारे में कहते हैं कि कॉमेडी का बेस्ट पार्ट ये है कि आप कॉन्शियस रहते हो कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं और आप उनसे रिवेंज भी ले सकते हो। नंबर 23, जाकिर को दिवाली बहुत पसंद है। दिवाली के लिए जाकिर कहते हैं, चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान, दिवाली तो दिवाली है, दोनों के लिए है। ये सबसे खास बात ये ना कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, दिवाली दिवाली है यार। नंबर 24, हार्डवर्क के अलावा जाकिर अपने सक्सेसफुल होने का क्रेडिट अपने फादर को भी देते हैं। जाकिर ने रिसेंटली एक वीडियो पापा यार के नाम से बनाया जो कि बताता है कि फादर बिना किसी कंप्लेन के कितनी हार्डशिप और सैक्रिफाइसेस करता है। जाकिर अपने फादर के काफी करीब हैं और उन्हें मल्टीपल ओकेजंस पर मेंशन भी करते नजर आते हैं। नंबर 25, जाकिर का एक रूममेट विश्वास ने इन्हें दिल्ली में ओपन माइक में परफॉर्म करने के लिए एनकरेज किया एंड फिर जाकिर को बाद में मुंबई न्यूज कॉमेडी शो लिखने के लिए बुलाया गया। नंबर 26, जाकिर का ड्रीम टीनेजर्स के लिए फार्मिंग कोर्स डिजाइन करना था। अगर वो आज एक कॉमेडियन नहीं होते तो वो डेफिनेटली एक टीचर होते। नंबर 27, जाकिर एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है। जाकिर को बचपन में इनके कॉम्प्लेक्शन एंड अपीयरेंस के लिए बुली किया जाता था, इस वजह से जाकिर बोल्ड एंड फनी इनफ बन गए थे और लाइफ की हर सिचुएशन से डील करना उनके लिए आसान हो गया था। उनका कहना है, वन शुड वेयर हिज इंडिविजुअलिटी एज अ बैज नॉट अ बैगेज। आके मुझे कह देता है कि सुनो छोटू चाय लगा दियो बेटा, लेकिन साथ में पापा खड़े हुए, इंसल्ट हो गई एकदम, बहुत बुरा लगा एकदम से।
नंबर 28। एक साल बाद दिल्ली में रेडियो प्रोग्रामिंग करने के बाद जाकिर इंटर्नशिप के लिए जयपुर में शिफ्ट हो गए। जाकिर ने काफी ऑड जॉब्स भी की। जाकिर ने थिएटर रेडियो में काम किया और उसके अलावा जो भी स्किल्स उनके पास मौजूद थी उसका यूज करके कुछ ना कुछ काम किया। इसके बाद इनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जिस कंपनीज ने इन्हें रिजेक्ट किया था उनसे जाकिर को सामने से ऑफर लेटर्स आने लगे। नंबर 29। जाकिर ने अपना फर्स्ट कॉमेडी शो नीति पाटला के साथ किया। जाकिर ने फिफ्थ एनुअल केला अवार्ड्स को फेमस कॉमेडियन वीर दास एंड पापा सीजे के साथ को होस्ट भी किया। नंबर 30। जाकिर को एनिमल्स से काफी प्यार है एंड इनका एक पेट चैंप भी है। जाकिर इतना हार्डवर्क करने के बाद भी अपने आप को एक लेजी पर्सन मानते हैं। नंबर 31। जाकिर की फैमिली जाकिर के रेडियो में करियर और स्टडी को क्विट करने के डिसीजन से हैप्पी नहीं थी, इसलिए जाकिर ने अपनी फैमिली से पैसे लेने भी बंद कर दिए और जॉब करने की सोचने लगे। नंबर 32। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में गुत्थी के कैरेक्टर पे कमेंट करते हुए जाकिर कहते हैं कि व्हाट गुत्थी डज इज नॉट अ कॉमेडी, स्पेशली इन दिल्ली कॉमेडी हैज ग्रोन टू बिकम अ मैच्योर एंड वर्सेटाइल, गुत्थी इज नॉट वर्सेटाइल। वो आगे कहते हैं कि लाइव कॉमेडी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी ऑन टीवी। लाइव शोज आर लाइक टेलिंग अ जोक टू योर फ्रेंड, बट ऑन टीवी द जोक्स हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ सेंसरशिप, बट गुत्थी इज स्टिल बेटर देन अदर्स। कपिल शर्मास काइंड ऑफ अ कॉमेडी इज बेस्ड ऑन इंसल्टिंग पीपल, इट्स वेरी पंजाबी। तू मोटा है, तू काला है, तेरे दांत खराब है, दैट्स व्हाट देयर जोक्स आर अबाउट एंड आई डोंट फाइंड इट फनी। नंबर 33। उनके फेवरेट एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं एंड फेवरेट फिल्म मेकर इज अनुराग कश्यप। नंबर 34। आप सभी लोग शायद ये ना जानते हो पर जाकिर नेस्ट अवे होम रेंटल मार्केट प्लेस की एड में फीचर भी हो चुके हैं। नंबर 35। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाकिर के बारे में ये फैक्ट जानकर सभी इंडियन को प्राउड फील होगा कि जाकिर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी परफॉर्म करते हैं। जाकिर इज एन इंटरनेशनल कॉमेडियन नाउ। इज्जत है बाबा। This all happened with the hard work he does and he has been doing since forever. तो दोस्तों this was all about Zakir Khan. We hope आपको Zakir Khan का ये fact video जरूर पसंद आया होगा. So देर किस बात की, हमें comments में जरूर बताइए कि आपको हमारा ये video कैसा लगा. इसी के साथ ऐसी और भी interesting videos को देखने के लिए अभी subscribe कीजिए the Duo Facts को and to get all the updates hit the bell button now.